हाँ ठीक है, जीत गई नीति, नीति जीत गई है। तो भाई इसने दिए दो सवाल सही, दो दिए थे ना चंदू भैया, एक दिया था यार, चलो ठीक है एक दिया था चंदू भैया, तीन पॉइंट है। नंबर क्या है मैंने बोला, इसने एक आंसर दिया वो भी मैं मोटा, उसने ये आंसर दिया, मन तो करा ना गला झाड़ पकड़ के ना खींच के पास लगा दो, या मेरा नंबर है उसकी खुशी देखो, खुशी देखो। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अपने चैनल पे, मैं आपका दोस्त यश। तो आज हमारा साल का पहला दिन यानी कि हमारे इस साल का पहला ब्लॉग होने वाला है। तो आपने क्या शपथ ली है आपके 2022 में, और क्या बोलते हैं, मैंने तो सोचा है कि मैं कम से कम एक हफ्ता तो डेली ब्लॉगिंग ट्राई करने वाला हूँ, और अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का तो मैं आगे से कंटिन्यू जरूर करूँगा। तो आज हमारा साल का पहला दिन है और हम जा रहे हैं अभी अपने मंदिर पे, कि साल का पहला दिन यार मंदिर जाना जरूरी है, तो अपन निकलते हैं अब डायरेक्ट मंदिर के लिए। तो भाई हम लोग मंदिर आ गए भाई, भीड़ भड़क का देखो आप लोग। तो भाई चंदू भाई हमें बताएंगे कि क्या मान्यता है, चंदू भैया स्टार्ट। देखो वो जो पीसी जो रिकॉर्ड है अपने, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो प्लेस है वहाँ पे, एक भी पिलर नहीं है पूरे इतने बड़े हॉल के बीच। अच्छा, और ये जो गेट है ये सीधे सिटी पैलेस के सामने, जो वहाँ की जो प्रिंसेस है वो अपना गेट खोल के सीधे मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। ये इस हिसाब से इसका इंटीरियर बना था कि वो अगर देखे तो उसको सीधा मूर्ति दिख चुकी है वहाँ से, और इतना बड़ा इंडियन, बहुत बड़ा इंडियन आर्किटेक्चर बना हुआ है। और भी बहुत सारी ऐसी जगह जैसे आप इसके अंदर से देखोगे इसको, तो बहुत अच्छा वर्क है इसमें और बहुत पुराना वर्क है। तो भाई अभी तो भीड़ बहुत हो रही है और कोविड के केसेस वैसे ही निकलने लगे हैं, तो अंदर तो जाएंगे नहीं ज़्यादा भीड़ में। तो ये जो पीछे है ये बहुत बड़ा स्पेस है और यहाँ बीच में एक भी प्लेयर नहीं है, इसके लिए यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी वो बन रखा है इस मॉन्यूमेंट का। तो अभी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और अपना कुछ खाते पीते हैं, यार भूख लग रही है, नाश्ता भी नहीं हुआ है। तो ये हवा महल से आप थोड़ा आगे आओगे ना एक समोसे वाला जो बहुत फेमस है, मैं आपको इसकी दुकान दिखाता हूँ कि कहाँ पर। भाई ये देख लो आपका नाम इस दुकान का, तो इन अंकल की चाय तो और ज़्यादा बढ़िया है, हमने दो बार पी चुके हैं। तो हवा महल आपका इस साइड पड़ेगा, हवा महल वाली लाइन में आप थोड़ा आगे आओगे तो ये दुकान आपको देखने को मिलेगी, बहुत फेमस। और भाई इसकी हरी चटनी तो ज़रूर ट्राई करना। तो उसके बाद अपन खा पी के आगे निकलते हैं अब। तो भाई हम लोग घर आ चुके हैं, बाइक वगैरह पार्क कर दी है। तो ये हमारे चंदू भैया, ये तो हद से ज़्यादा थक गया गरीब आदमी। तो अभी हम ऊपर जाएंगे और मूड बन रहा है कुछ चैलेंज वगैरह रिकॉर्ड करने का। तो आओ अपन पहले रूम में चलते हैं, चेंज वगैरह करते हैं, यार जींस वगैरह कितनी आदत नहीं है अपने को। तो भाई चैलेंज वीडियो हम रिकॉर्ड करने के लिए अपना सौदा लिया है। तो आज सजा में कुछ खास है, ये रही हमारी सजा, ठीक है। तुम विस्पर चैलेंज रिकॉर्ड करने की सोच रहे हैं, हेडफोन का जुगाड़ हो गया है, ये हमारे पुराने मरे गिरे लोग। तो आओ रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं अपन को क्या क्या रिएक्शन देखने को मिलते हैं। लड़कियों को तो आदत होती है वैक्सीन वगैरह की, बट चंदू भैया और मेरे को ज़्यादा थ्रिल देखने को मिलेगा आज के चैलेंज में। तो आओ देखते हैं और हमारे साथ एंजॉय करें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें आने वाली और वीडियोज़ के लिए। तो भाई चीज़ें सेट हो गई है, हम एक बंदे को 5 चांस देंगे जिसमें से हमें ज़्यादा से ज़्यादा सही बताने हैं, और जैसे कि लास्ट में मैच अगर ड्रॉ हो गया कि पता लगे सब ने बराबर सही बताया, तो फिर हम क्या करेंगे कि जैसे चंदू भैया और मैंने दोनों ने 3-3 पॉइंट बना दिए, तो हमें दोबारा में 2 चांस दिए जाएंगे। तो जो सबसे कम बता पाएगा ना उसको मिलेगी ये सजा, ठीक है भाई। सजा वगैरह तैयार बैठे, और हाथ पैर पे कुछ नहीं होगा, मज़ा आएगा टांग पे जहाँ सबसे ज़्यादा बाल होते हैं लड़कों को। तो आओ गेम स्टार्ट करते हैं, हर बार की तरह कन्नू से स्टार्ट होगा कि सबसे छोटी वही है। तो कन्नू तैयार है ना? ये दुखी आत्मा है, ये दुखी आत्मा है, ज़बरदस्ती बुलाना पड़ता है इन लोगों को। होट लिप सिंक पढ़ रही है, ये गलत बात है ना भाई। कन्नू जीत गई, कन्नू सही बोल रही है, अब आएगी तुम्हारी बारी। तो भाई अभी नहीं जीते, सॉरी, इसने कुछ और पूछा था, कुछ और बोली, तो दोबारा वहीं के वहीं। ये तो क्या क्या आगे नहीं बढ़ रहे, पहला चांस खत्म, 5 पूछने भाई, पहला चांस खत्म हो गया। उस बच्चे का नाम क्या है? उस बच्चे का नाम क्या है? पतंग का नाम भाई। दूसरा चांस भी खत्म, तीसरा क्वेश्चन पूछो। जल्दी भाई, चंदू भैया क्वेश्चन अभी पूछ रहे हैं। हाँ आप चौथा है, चौथा पूछो। वो बिल्डिंग वाइट है, ये भाई जयपुर वाले लोग सकरात पे अटक चुके हैं, इन्हें पतंग का दिख ही नहीं रहा है। तो भाई आगे बढ़ो, 5वां क्वेश्चन है।
भाई पांचवा क्वेश्चन दोबारा पूछो। कल थोड़ी मंडे का है। तुम्हारी बहन है पूरी चतुर चला के। भाई पांच के पांच गलत दिए लड़की ने जवाब, यानी कि यार इसे वैक्सीन की सजा तो दे नहीं पाएंगे। अब देखो इसके बाद जो हारता है उसे तो देंगे कि ये तो बच्चे से करना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके बाद नंबर आता है हमारे चंदू भैया का, फिर इसके बाद ये है, फिर निधि का नंबर आएगा और फिर मेरा नंबर आएगा। तो भैया चंदू भैया तैयार हो? गाने ये एक ही चलने देंगे, गाना बिल्कुल। हाँ तो ठीक है, गाना यही चलने देंगे, तैयार हो ना तुम? कितने पूछे बेटा, तू पूछ, तू ही पूछ। नहीं नहीं नहीं, तू कुछ भूल गई थी, एक शब्द से रह गई थी वो बिल्डिंग सफेद है। कोई नहीं कोई नहीं, अब जल्दी जल्दी गाना प्ले कर दिया। पहला क्वेश्चन करनू बिना हंसे बोल। भाई पहली टाइम गई, दूसरी दूसरी अरे ये पता क्या बोले। तो ठीक है ठीक है, दोबारा चले, दोबारा से एक चांस और दे देते, हारने से पहले फड़फड़ाता है बंदा। पहला दोबारा धीरे बोल, धीरे बोल, धीरे बोल। ये भाई लगा वो, ये बार बार टर्निंग से हुई है, ये वैक्सीन का डर है ना, इस चक्कर में लगे पड़े यार ये लोग। हाँ एक बार सेंटेंस बोलो, दोबारा रिपीट नहीं होगा वो सेंटेंस, ठीक है। दूसरा सवाल, हाँ तो ठीक है तुम्हारा एक चांस हो गया। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, हाँ घर जाओ, ऑटो में भूमि बिठा दो जीत पे। यार चंदू भैया जल्दी यार, ये लड़के को वैक्सीन का इतना डर लगा। वो पतंग बड़ी बकचोदी है। ओ भाई ये होती ठग लाई। ये आदमी के दो चांस हो गए, दो दो सवाल सही बोले। भाई कन्नू हटाओ, कन्नू हटाओ भाई, कन्नू हटा दो वॉल्यूम भाई, बढ़िया तरीके से रखे दो। मैं जाता हूं कन्नू, तेरे बस की बात नहीं है। तेरे कक्षा में कितने छेद हैं बाप, क्या कहे, धीरे बोलो बाप, तेरे कक्षा में कितने छेद हैं, मेरे कितने बच्चे हैं। हेलो भाई, चौथा क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। दो भैया निधि तैयार है ना? सुनो हाँ ठीक है चंदू भाई, ठग लाइफ वाला ठग लाइफ। तुम पूछो क्वेश्चन चंदू भैया, तुम अच्छे पूछते हो, तुम हार गए, बड़े गए तेल लेने, तुम हार गए। हाँ ठीक है, वही बोलना है, गाने चला देना चंदू भैया। चंदू भैया बढ़िया से पूछना, ठंड में कितने दिन में नहाती है? भाई पहला सवाल हो चुका है, अबे चार बार बोल दिया दोबारा। हाँ तो ठीक है धीरे धीरे बोले, लड़कियों को हम चांस दे देंगे यार। मेरे को तो नहीं दिया। तेरे को भी दिया? ओ लड़ रही है, चांस नहीं दिया, इतने चांस तो चंदू भैया को मिल जाते तो पास सही बोल देता आदमी। दो दोबारा बोलो। वो फ्लैग किस कलर का है? वो फ्लैग किस कलर का है? वो आगे फ्लैग किस कलर का है? भाई वो भाई गलत, दूसरा सवाल। इसका आंसर नहीं है भाई। ना ना ना, दो दूसरा सवाल, बार बार हेडफोन नहीं उतारना है, नहीं बताना, बार बार हेडफोन नहीं करना, जो देखना है। हाँ तो भाई दूसरा पूछो, जल्दी पूछो। एक काली है। बस हाँ तो ठीक है, दूसरा भी गलत, तीसरा पूछो। भैया मोटे हैं, भैया मोटे हैं। ओए भाई मेरी बेइज्जती तो हर किसी को सुनाई देगा, तो शर्म है नहीं है। चलो एक तू भी जीत गई है, चौथा सवाल पूछा जाए। ये जीत गए चंदू भैया, तुम टूटोगे, मेरी वैक्सीन भी नहीं तुम्हारी होगी, तुम सवाल आसान पूछ रहे हो। अपनी बाइक का नंबर क्या है? अपनी बाइक बढ़िया है। ओह माय गॉड, पांचवा पूछा जाए, पांचवा पूछा जाए। हाँ पूरा सही था, पांचवा पूछा जाए। हाँ ठीक है, जीत गई निधि, निधि जीत गई है। तो भाई इसने दिए दो सवाल सही, दो दिए थे ना चंदू भैया, एक दिया था यार, चलो ठीक है एक दिया था चंदू भैया के, तीन पॉइंट है। नंबर क्या है उन्होंने बोला? इसने एक आंसर दिया, वो भी मैं मोटा, उसने ये आंसर दिया, मन तो करा निकला यहाँ से पकड़ के खींच के पास में लगा दूँ। या मेरा नंबर है, उसकी खुशी देखो, खुशी देखो। तो भाई मेरा नंबर है, लेन देन लगने वाली है मेरे से। देखो भैया आसान सवाल पूछे जाए, ठीक है तो मैं तैयार हो जाता हूँ। गाना बढ़िया है, मतलब
आओ हम वीडियो बनाएं। अरे यार एक बार बोल, मिस्टी इज अ क्यूट गर्ल। तुम कॉलेज क्यों नहीं जाते? अल्बर्ट आइंस्टाइन के कितने लॉट है? क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन के कितने लॉट है? तीन लॉट है। वो अल्बर्ट आइंस्टाइन के कितने लॉट है? तीन। दो बच्चे और रह गए। धीरे धीरे जल्दी। माइंड है ना, माइंड है, भाग ला है। तो भाई मेरे को लग रहा था मैं हार गया कि चंदू भैया ने तीन जवाब दिए, मैंने दो दिए और कन्नू तो दे ही नहीं पाई है। मेरे पे वैक्सीन अप्लाई करने का कोई फायदा ही नहीं है, तो दोनों लड़कों में अप्लाई करते हैं क्यों? अबे तो अलग ही, हम जीत गए तो भी साला हम ही सजा खाएंगे और क्या। हाँ ये चीज हम जब सुन सकते हैं इसकी, जब हम दोनों पे हो, एक पे मजा नहीं आएगा। आप दोनों पे एक चैलेंज करते हैं, जो जीतेगा, जो हारेगा उसको वैक्सीन। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, हम दोनों पे दोबारा हो रहा है, दो दो पूछे जाएंगे तो देखते कौन आंसर दे पाएगा और फिर उसके हिसाब से सजा रख देंगे। ठीक है तो आओ देखते कि कौन जीतता है। अबे ये बंद करा, नहीं बंद करा, चालू है। जल्दी पूछो। You are a very sexy and hardworking person. नहीं बोल रहा है। अरे हिंदी में बताइए। अबे हिंदी में पूछो, इंग्लिश की नहीं हो रही है। लेकिन पूछो ना। हिंदी में पूछेंगे भैया, इंग्लिश की नहीं हो रही है, मैं इंग्लिश का बेवकूफ। आप बड़े शुद्ध और शाकाहारी आदमी हो क्या? क्या आप बड़े शुद्ध और शाकाहारी आदमी हो? मैं बड़ा शुद्ध और शाकाहारी आदमी हूँ। जो सेंटेंस होता है वो ही बोलना था। यानी कि तुम बड़े सुपर शाकाहारी आदमी हो। हां तो ठीक है, मैं जीत गया। एक पॉइंट ये भी गलत है, एक वर्ड मिसिंग है। अब हो गए चार दिन। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए। अब जल्दी पूछो, याद तो करने दो, पूछो कोई गाने का नाम। थोड़ा पास पास आओ। सेम गोलियां चुराना मेरा किया क्या? लास्ट टाइम जानी थी गोलियां चुराना मेरा किया। उल्टी पूरे हार गए। मैं हार गया हूँ भाई, हर मैं हार ही जाता हूँ, तो मैं तो हार गया हूँ। अब देखो ये आदमी क्या करता है, मेरे को देखना। ऐसे सवाल पूछूंगा मैं, डालेंगे आप? मैं क्यों पैसे भेजने का? तो मुझे भेज दो। तो भैया मुझे सवाल पूछते हैं। अच्छा कटने का आया होगा, ठीक है तो ठीक है। नंबर आते हैं बंदे मुझे हर बार बच्चे मेरे को देखना, कोई जवाब नहीं। तो भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं पूछता हूँ। धीरे बोलो, बात करो, अपनी गर्लफ्रेंड को मेरा नंबर दो। आप मुझे पार्टी कब दे रहे हो? गलत गलत गलत। दूसरा सवाल, सर्दियों में कितने दिन नहाते हो? सर्दियों में कितने दिन नहाते हो? यस आ रिया, यस आ रिया, यही बोला था ना? यही बोला था, यही बोला। मैं हार गया, मैं तो खुद टेंशन में आ गया, हार के मारे क्या। नहीं ये सोच रहा था कुछ तो करूं जो गलत हो जाए, कुछ तो बोलूं ऐसा। तू कैमरा संभालेगी, ठीक है? कैमरा तू संभालेगी कि ये रिएक्शन देंगे ये फगलाई वाला आदमी।
ये हमारी करने वाली है और हमें यहाँ पर मुर्गे जो कटने वाले हैं। भाई मैंने कभी ऐसा कुछ पहले नहीं करा था, देखते हैं कैसा रिएक्शन मिलता है। रिएक्शन छोड़ा दर्द ज्यादा मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करें आने वाली और वीडियोस के लिए। बैठ जाओ आप दोनों आराम से, बिल्कुल पास पास हो गए। पास 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 हो गए, बैठो पास पास। नहीं नहीं अच्छे से लाइक कर लेना, नहीं तो स्किन बाहर आ जाएगी। आपको गोरा हो ही जाऊंगा मैं, कितने हरे भरे पेड़ है यार, इतने सालों से संभाल के रखा था। पता पता नहीं चलेगा, हो गया होगा, थोड़ा सा लगा के भी रब कर देना। हो गया हो गया हो गया हो गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। कोई नहीं कोई नहीं, उड़ाओ उड़ाओ। तो भाई हम पतंग वगैरह उड़ा रहे हैं, तो ये पतंग हमारी चंदू भैया उड़ा चुके हैं, हमें तो एक ही आदमी को उड़ाना आती है देखो ये रही। तो आज हवा बहुत अच्छी चल रही है। तो भी एक्चुअली क्या है, मैं तो दिल्ली से हूँ, तो हमारे तो 15 अगस्त को पतंग वगैरह उड़ती है, बट आपके जयपुर में और राजस्थान में सकरात करके कुछ होता है चंदू भैया, सकरात को वैसे पतंग क्यों उड़ाई जाती है? बहुत पुराना जयपुर का। अच्छा जयपुर में ही ज़्यादा उड़ती है, चलो ये अच्छा है। चलो ठीक है गाइस, तो अभी हम पतंग उड़ाएंगे और मौज मस्ती करेंगे। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं, एडिट करके उम्मीद है 6 से या 7 बजे की टाइमिंग में हम इसे अपलोड कर देंगे और हम डेली ब्लॉगिंग ट्राई करेंगे। तो प्लीज़ आप हमें थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, हम अपनी तरफ से तो बेस्ट देंगे और आप हमें कमेंट सेक्शन में हमें और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।